कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 13 मई को कांग्रेस की जीत के दो दिन बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रपोजल दिया था। उन्होंने कहा था कि हम उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करेंगे जहां पर उसकी जड़ें मजबूत हैं। इसके बदले में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को उनके गढ़ में समर्थन देना चाहिए। ममता बनर्जी ने पारस्परिक गठबंधन की शर्त भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि टीएमसी कर्नाटक में आपको समर्थन दे और आप बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़े। अगर आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्षेत्रों में त्याग करना पड़ेगा। यानी कि ममता बनर्जी का साफ तौर से मानना है कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात समेत देश भर की लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। इन 200 लोकसभा सीटों में से 91 सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में है। अगर विपक्षी एकता के लिए ममता का फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कांग्रेस को 227 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और ये वो सीटें होंगी जिन पर 2019 में कांग्रेस ने या तो जीत दर्ज की थी या वो बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इनमें से भी कुछ सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो सकती हैं। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का कहना था कि वो लोकसभा चुनाव में गठबंधन होने की स्थिति में 350 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। कांग्रेस ने 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में वो विपक्षी सहयोगियों के लिए 193 सीटें छोड़ने को तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अमेरिकी दौरे के दौरान कहा था कि विपक्षी एकता के लिए कुछ गिव एंड टेक करने होंगे। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि तीन राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस सीटों को लेकर आखिरी फैसला करेगी। यहां पर कांग्रेस की जीत और हार का असर सीटों पर साफ तौर से देखने को मिलेगा। फिलहाल पटना वाली बैठक से क्या कुछ निकलता है और किन बातों पर सहमति बन पाती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।